तो वीवीए मैको का प्रोजेक्ट ए है हमारा, हमारा इस क्लास की फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपने ड्राइव में सी डी ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव चूज कर लेंगे हम, उस ड्राइव में जाएंगे। उस ड्राइव में हम देखेंगे अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2021। 2021 का फोल्डर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाएगा। और इसके अंदर मंथ कौन सा चल रहा है, आपका मंथ चल रहा है सिक्स, सिक्स नाम का फोल्डर बनाएगा। ई ड्राइव छोड़ देता हूँ मैं, 1 मिनट। मैं डी लेता हूँ, डी में 21, 21 के अंदर 6 नाम का फोल्डर बनाएगा यहाँ पे सिक्स। और इसके अंदर फिर आज डेट क्या है, 18 है, तो न्यू में जाके यहाँ 18 का फोल्डर बनाएगा। और इस 18 के अंदर जो है हमारा एक फाइल क्रिएट करेगा जिसका नाम वो 18 रखेगा। तो आप सभी को मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। और समझ में आ गया ना This meeting is क्या being है? recorded. पुनीत जी, समझ में आया आपको कि प्रोजेक्ट क्या है? हेलो पुनीत जी, पुनीत जी आपको समझ में आया प्रोजेक्ट क्या है? ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए क्या है कि हम ये चाहते हैं कि डी ड्राइव के अंदर 2021 नाम का फोल्डर बनाए, क्योंकि अभी साल 2021 चल रहा है, इसलिए 2021 नाम का फोल्डर बनाया। उस 2021 के अंदर महीना कौन सा चल रहा है, महीना चल रहा है सिक्स, सिक्स नाम का फोल्डर बनाया। और इस सिक्स के अंदर अभी आज का डेट क्या है, 18 है, तो 18 नाम का फोल्डर बनाया। और उसके अंदर फिर 18 नाम का फाइल बनाया। और ये हर दिन जो है इसी तरह से चले। चलिए तो इसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। इसके लिए अब यहां पे हम देते हैं कोड सब टाइप ओपन क्लोज। और यहां पे सबसे पहले हम यहां पे फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो यहां पे हम लिख देता हूं फर्स्ट PROJECT, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओ अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, हाँ स्टार्टिंग में। वो फोल्डर बनाने का कोड क्या होता है पहले चीज को जानना होगा। तो फोल्डर बनाने का जो कोड होता है वो होता है कुछ इस तरह से, हम लिखते हैं MKDIR, मेक डायरेक्टरी, शॉर्ट में इसको MKDIR लिखा जाता है। और यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाले कि आपका आपको फोल्डर बनाना कहाँ है। यहाँ हमने डाला तो ये डी ड्राइव में 2021 का, इन्वर्टर में डालना पड़ेगा, डी ड्राइव में 2021 का फोल्डर बनाएगा। फिर MKDIR, और हमने दे दिया कि भाई 2021 के अंदर सिक्स नाम का फोल्डर बनाना है, वन बाय वन सिक्वेंसली। फिर MKDIR हमने बोला कि इसके अंदर 18 नाम का फोल्डर बनाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि तो फिक्स हो गया, हमें तो क्या करना है, सिस्टम डेट से कनेक्ट करना है। तो सिस्टम डेट के लिए यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट देता है। अगर एक्सेल में हम इसको करना चाहे तो एक्सेल में हम कैसे करेंगे, एक्सेल में हम यहां लिखेंगे टुडे। टुडे का फॉर्मूला होता है एक्सेल में, जो कि वीवीए में डेट बन जाता है। ईयर का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें से ईयर अलग करेगा, मंथ का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें से मंथ को अलग करेगा, और डे का फॉर्मूला लगाएंगे तो डे को अलग। बट प्रॉब्लम ये है कि हम वीवीए में इसको अप्लाई कैसे करें, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक लोकेशन जहां पे वीवीए अपना, वीवीए का जो फॉर्मूला है अपना रिजल्ट स्टोर कर सके। तो हम यहाँ लेते हैं वेरिएबल कि वाई इक्वल टू ईयर, और ईयर के अंदर में हमने डाला डेट। अब वाई क्या है, एक्स वाई जेड ऐसे मैथमेटिक्स जो लेते हैं हम ले लिए, मतलब कि जो डेट है ईयर है 2021
21 अब y पे स्टोर हो गया और मुझे जहां ईयर चाहिए वहां हम y का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कॉनकेट के साथ ध्यान रखिएगा, एंड परसेंट के साथ y कर दिया, क्योंकि y एक वेरिएबल है तो इन्वर्टेड कोमा में नहीं आएगा, इन्वर्टेड कोमा से बाहर आएगा, इसलिए हमने यहां पे इसको कंबाइन कर दिया। इतना समझ में आया कमरान जी, समझ में आया आपको ये? जी सर। अब यहां हम देंगे मंथ का फॉर्मूला, m इक्वल टू मंथ, और मंथ में भी हम डेट करेंगे तो 6 जो है अलग कर देगा। अब यहां जो है यहां पे हम ब्रैकेट देते हैं, अब 2021 को डिलीट करके इसके जगह पे y कर देते हैं, फिर n परसेंट, फिर इस सेमी कोलन को रखते हैं और फिर 6 को डिलीट करके n परसेंट m कर देते हैं। n परसेंट देना पड़ेगा, n परसेंट क्या करता है, जो एक्सेल में कॉनकेट करता है कॉनकेटनेट, वो ज्वाइन करने का, ये ज्वाइन कर देता है। फिर यहां पे हमने लिखा d इक्वल टू डे और डे के अंदर में हमने डाल दिया डेट, इसके अंदर हमने यहां पे सेम n परसेंट y n परसेंट इनवर्ट को हमें स्लैश, फिर यहाँ पे n परसेंट हमने 6 के जगह पे m कर दिया, फिर n परसेंट हमने यहाँ पे इसको लिया और n परसेंट 18 के जगह पे m d कर दिया, ये हमारा फोल्डर बन गया। तो अब जो है वो d ड्राइव में यहाँ पे पहले 2021 का, फिर यहाँ 2021 के अंदर 6 का और 2006 के अंदर 21 और 6 के अंदर 18 नाम का फोल्डर बनाएगा। अब मैं यहां लिखता हूं कि वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था। अब यहां पे इसका पाथ जो होगा ये होगा, बट फाइल का नेम, तो फाइल के नेम के लिए भी हमने यहां पे स्लैश किया और फिर यहां पे फाइल का नेम डी और फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स, जो फाइल ऐड होगी वो ओपन होगी, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और हमने ट्रू कर दिया। तो पुनीत जी, कामरान जी, अंशग्राम जी, कोई दिक्कत है इसमें, इस कोड में? नो सर। पुनीत जी आपको कोई दिक्कत है? संग्राम जी कोई दिक्कत है आपको? No, sir. लेकिन ये जब कोर रन होगा तो एक एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि जैसे मैं रन करूंगा ये देगा फाइल पाथ फाइल एक्सेस एरर। इसलिए ये एरर क्यों दिया, क्योंकि आपके ड्राइव के अंदर में एक नाम के फोल्डर एक बार में एक ही बार बना, मैंने वन टाइम में एक ही बना जा सकता है, आप जो है डबल डबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने डिलीट यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास है कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करेगा कि जिस लाइन में एरर होगा उस लाइन को रन ही नहीं करेगा, स्किप कर देगा। अब चलिए मैं एफ8 प्रेस करके इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि पता चले। ईयर देखिए यहाँ पे वाई पे 2021 सेव कर दिया, एम के ऊपर 6 सेव कर दिया और डी के ऊपर 18 सेव कर दिया, ऑन एरर रन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, वाई और डी मिलके यहाँ पे एक पाथ क्रिएट किया, फिर यहाँ पे इसने क्रिएट किया 2021, और इसने फोल्डर क्रिएट कर, फिर करने के बाद इसने एक फाइल ऐड किया और उस फाइल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नाम का फाइल है, उस फाइल को इसने सेव किया, क्लोज कर दिया सेव करके, एंड सर। तो यहाँ पे आपका पूरा पाथ जनरेट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस की जो कि हर दिन एक फाइल क्रिएट करेगा, उस फाइल को ईयर मंथ डे के हिसाब से अरेंज करेगा।
बट यहां पे क्या है कि मंथ जो है वो डेट के हिसाब से आ रहा है, सिर्फ नंबर के हिसाब से 6 7 8 9। मैं चाहता हूं कि जैन फैब मार्च इस तरह से आए। करना है ये जो आपने लगाया है फॉर्मूला मंथ का, उसके जगह पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर्मेट, और इसमें हम देंगे डेट, इसमें देंगे हम DD/ नहीं MMM होगा, MMM यहाँ पे जाओ, तो डेट से आएगा। क्योंकि ये फॉर्मेट फॉर्मूला क्या है, जैसे एक्सेल में आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि कोई डेट, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया और इसके अंदर आपने 3 बार DD MM लिख दिया या DD लिख दिया, तो क्या होगा यहाँ पे उस महीने का शॉर्ट नेम आ गया। सेम चीज आपका यहाँ इस कोड में हो रहा है। अब आप लोग इस कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सिस्टम में इसको परफॉर्म कीजिए।